subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लोधी क्लब अजकल लुधियाना शहर दे विच बहुत ही चर्चा का विषय बनया है। लोधी क्लब कैसे फाउंड हुआ और कैसे एविएशन हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते आपने उसको कैसे यहाँ पे लेके लैंड किया कि वो क्लब का स्वरूप ले गया। फिर वहीं पे बैठे बैठे सब लोग बोलने लगे, यार मिला ही था तो इतना छोटा ले लिया यार, क्लब भी बोल लाते, इतने 200 गज में क्लब क्या बनेगा 250 गज में। तो पिस्टल मांगने के बाद तोप का सपना देखा ना जी। अगर आप सच्ची बात माने तो जब ये जगह मिलने के बाद जगह देखी तो लगता नहीं था कि यहाँ पे एक कमरा भी बन सके। पे 8-9 फुट के टिब्बे थे रेत के, जब तक ये अंडरपास नहीं बना था तो उस समय तक भी इधर से निकलने में रात को डर लगता था। जो सतुज क्लब की मेंबरशिप हमने ली थी वो 20,000 में ली थी। जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है वो भी इसी हिसाब से है कि जो लैंड है वो लोधी क्लब की है। डावर साहब जो डावर साहब थे ही वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, चन्नी साहब के टाइम पे बनाई गई थी कि ये बंदे ये क्लब चलाएंगे और वही फंड वगैरह जो बाकी मेंबर्स ड्राइव जो मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी वो चलाई थी। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुम्हारे रूबरू हो रहे हैं। तो मामला हैगा लोधी क्लब का। जी हाँ, लोधी क्लब अजकल लुधियाना शहर के बहुत ही चर्चा का विषय बनया है क्योंकि उत्थे इलैक्शन चल रहे हैं, परिवारक माहौल दे विच क्योंकि ये एक सोसाइटी का क्लब है, सोसाइटी है, सो उत्थे परिवारक माहौल दे विच इसम एक इलैक्शन चल रहे हैं और उस इलैक्शन दे करके ये क्लब जिहड़ा क्योंकि इत्थे सारे कारपोरेट हाउसेस बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑफिसरस ते नौकरी पेशा ये सब उत्थे लोग जिहड़े हैगे है मैंबरस है तो उस सारे गलियारे दे विच इहदी एक चर्चा छिड़ी हुई है। इस चर्चावां दे विच क्योंकि जदों कहिंदे ना कहावत है खूब मिल बैठेगी जब मिलेंगे दो तीन यार, सो वो यारां दा माहौल जदों बन गया परिवारक एक माहौल बन गया तो सब पुराने किस्से शुरू हो गए। इसे पुराने किस्सों से एक गल निकल के आई कि जिस क्लब के लिए अज इलैक्शन हो रहे हैं, अज इन्ना वधिया महफिल सजियां हुई हैं, रोज़ पार्टियां चल रही हैं, दोस्तों एक दूसरे को कन्विंस किया जा रहा वोटिंग लिए, तो इस दौरान एक गल आई कि क्लब फाउंडेशन कदों हुई, किदा हुई, किहड़े दोस्तों ने की। ये असी हालांकि पिछे तुहाडे नाल एक गल की सी, तुहानू मिलाया सी अश्विनी गोयल जी नाल जिहड़े कि क्यूट साइकिल दे मालक हैगे और तुहानू उदों सानू पता भी लग्या सी क्योंकि लुधियाने च एक एविएशन क्लब हुंदा सी जिहड़ा कि उन्होंने दस्या सी उहदे मैंबर सीगे। उत्थों ही एक कहानी शुरू हुई सी, एक ड्रीम शुरू होया सी, एक छोटा जिहा ड्रीम जिहड़ा अज इन्ना ज्यादा वड्डा स्वरूप लै चुका कि 3200 परिवार लगभग इत्थे मैंबर भी हैगे है। तो अज उही फाउंडर्स जिन्होंने क्लब की फाउंडेशन स्टोन रखी केड़े किस्से सीगे उन्हां तों सुनन लई असीं अज पहुंचे हैं। एक बार फिर तुहानू रूबरू करा दिए दोस्तों नाल जिन्होंने क्लब लोधी क्लब का फाउंडेशन की थी, युवराज दादा जी नाल, भीम सेन जी नाल, सगड़ जी नाल, ते अश्विनी गोयल जी जिन्हां नाल असीं तुहानू पहला भी मिला चुके हैं, ते अज एक बार फिर युवराज दादा जी नाल तुहानू मिलाने। ये तुहानू दस्सीए कि क्लब दे पहले जनरल सैकटरी भी रहे, सो गलबात करते हैं एक बार मिलाने। नमस्कार सर। नमस्कार जनाब, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। सर आप बताएं जी, आपने ये क्लब जो लोधी क्लब है, लोधी क्लब कैसे फाउंड हुआ और कैसे एविएशन हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते आपने उसको कैसे यहाँ पे लेके लैंड किया कि वो क्लब का स्वरूप ले गया? जरूर जी, साहब ऐसा है जी। जो लुधियाना फ्लाइंग क्लब है जी। इसका असली नाम तो लुधियाना एविएशन क्लब था, जहाँ पर आज की तारीख में सानीवाल एयरपोर्ट बोलते हैं। दिस इज बेसिकली अ फ्लाइंग क्लब। इस फ्लाइंग क्लब के हम मेंबर्स थे, उन मेंबर्स ने ही इकट्ठे होके क्योंकि क्लब बहुत दूर था, सानेवाल था, आज तो सानेवाल लुधियाने के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को सानेवाल जाना हो या खन्ने जाना हो, बंदा बोलता है ये साथ में, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। तो लेकिन जिस टाइम पे हम फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स थे, मैं 78, 79, 80 की बात कर रहा हूं जब हम फ्लाइंग करते थे वहाँ पर, तो उस टाइम या उसके बाद समझ लो 2000 की बात भी अगर हम करें तो तब भी सानेवाल दूर लगता था। सो हमने जो इधर डीसी साहब होते थे चन्नी साहब, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमको कोई छोटा सा जगह दे दो, जो हम फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स हैं वो रहते तो लुधियाना में ही हैं सारे जी, तो कुछ शाम को बैठने की जगह बन जाएगी, को अपना हल्ला गुल्ला कर लेंगे, गपशप चल जाएगी जी।
तो ही सेड कि यू ऑलरेडी हैव इनफ स्पेस देयर इन द फ्लाइंग क्लब, आपके पास वहाँ पे हॉस्टल है, रूम्स है, मेस है, आप उधर क्यों नहीं बैठते हुए साहब, रात को इतनी दूर कौन जाएगा, सानेवाल में कौन जाएगा। सो इन्होंने बोला ठीक है आपको लेकिन गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। एंड लखनपाल साहब तब थे, पहले जो हमारे डीसी थे यहाँ पे, तब ही वो लोकल बॉडीज के थे चंडीगढ़ में, मेरा क्या लोकल बॉडीज में क्यों अश्विनी लोकल बॉडीज के थे ना सर, हाँ जी। तो उनके पास हम गए तो उन्होंने बोला कि सेम क्वेश्चन आंसर्स। तो अल्टीमेटली ही सेड कि ठीक है आपको हम एक कोई जगह दे देते हैं, तब ये बीआरएस नगर नया नया बना था, तो यहाँ पे इन्होंने हमको 200-250 गज का एक प्लॉट अलॉट कर दिया फॉर द लुधियाना एविएशन क्लब, कि यहाँ पे एक रिक्रिएशन का एक अपना छोटा सा हॉल बना लें या कोई बैठने उठने के लिए, जो उधर के मेंबर है दे कैन सिट इन द डे टाइम और इवनिंग व्हेनेवर। तो हमने यहाँ पे उधर से दिन के अंदर हमने यहाँ पे ड्रॉपिंग भी की, फ्लावर ड्रॉपिंग की जो अपना प्लॉट मिला था, शाम को सबने मिलके वहाँ पे पार्टी वार्टी भी कर ली। अच्छा, लेकिन जिस दिन मिला उसी दिन नहीं जी, जिस दिन मिला उसके हफ्ते के बाद ही। अच्छा, हाँ ड्रॉपिंग जिस दिन की उसी दिन शाम को बैठ के पार्टी वार्टी कर ली आपस में जी। फिर वहीं पे बैठे बैठे सब लोग बोलने लगे यार मिला ही था तो इतना छोटा ले लिया यार, क्लब भी बोल लालते इतने 200 गज में क्लब क्या बनेगा 250 गज में जी, मतलब मिलने के बाद लालच हो गया जी, लालच हो गया जी। तो हम फिर पंजाबी वैसे ही ऐसे हैं कि इतना मिल गया आप ज्यादा मिल जाए तो वही है, जैसे कहते ना तोप का लाइसेंस मांगो तो पिस्तौल का तो मिल ही जाएगा उस जमाने में, तो आजकल तो मैं पिस्टल का, आपने तो पिस्टल मांगने के बाद तोप का सपना देखा जी। तो एनीवेज हम फिर इकट्ठे होके सर के पास गए तो उनको फिर रिक्वेस्ट की, काफी कन्विंस करना पड़ा, कुछ महीने और लग गए। एंड उसके बाद फिर ये जो बी आर एस नगर में हमको एक जगह मिली है ये हमको उन्होंने अलॉट की कि यहाँ पे आप अपना एविएशन क्लब का क्लब बना सकते हैं। लेकिन एविएशन क्लब पंजाब गवर्नमेंट का था और डीसी साहब होते हैं इसके कर्ता धर्ता। ऐसा तो नहीं हुआ कि तोप के बाद फिर कोई और बड़ा लाइसेंस मांगने चले गए? नहीं, और बड़ा लाइसेंस तो हमने सेटिस्फेक्शन होगी थी इतनी जगह से कि इसके बाद फिर और सोचा कि नहीं अब कोई बहुत बड़ा वो किला रायपुर ही खड़ा करते हैं। अगर आप सच्ची बात माने तो जब ये जगह मिलने के बाद जगह देखी तो लगता नहीं था कि यहाँ पे एक कमरा भी बन सकता है। यहाँ पे 8-9 फुट के टिब्बे थे रेत के, यहाँ पे जी हाँ, अच्छा ये गहरे खड्डे थे। अच्छा, और उसकी सारी फिलिंग करनी पड़नी थी जी। मेरा ख्याल है जो हम ये शुरू के जो मेंबर्स रहे हैं, जैसे अश्विनी जी ने बताया जो हम पहले 7-8 मेंबर थे जो फाउंडर थे इसके एविएशन क्लब से जो इधर आए थे, ये हम रात को 10-10 बजे तक, कहने में 10-10 बजे तक, रात को 1-1.5 बजे तक तो हम यही रहते थे कि अभी भराई हो रही है, भारत आ रही है, भारत पड़ रही है। तो उस समय ये इलाका बसा हुआ था? आसपास का इतना ज्यादा नहीं बसा हुआ था, कोई कुछ कुछ था बीच में, कोई कोई घर था। मेरे को याद है जहां तक हमारी नॉलेज है कि अभी कुछ साल पहले तक भी जब तक ये अंडरपास नहीं बना था तो उस समय तक भी इधर से निकलने में रात को डर लगता था। डर तो वाकई लगता होगा जी, क्योंकि उस टाइम तो ये खाली ये लोधी क्लब का ही जगह थी, लोधी क्लब के बैक साइड पे आई ब्लॉक था, आई ब्लॉक पर जी बसा हुआ, आई ब्लॉक में बसा हुआ। ओके, तो एंड तो इस सड़क के ऊपर तो कुछ भी नहीं था जी। एक स्कूल था पहले, कॉन्वेंट स्कूल था, उसके बाद सारी खाली जगह थी, ग्रीन बेल्ट थी या तो। एंड तब हमने ये जो क्लब है ये दिन रात बैठ के उसके ऊपर पैसे इकट्ठे किए। शुरू में तो जब चन्नी साहब ने बोला कि कितने कितने मेंबरशिप लेनी है तो हम 6-7 जो 8 जने थे उन बोला जी 20,000 रुपये डाल लेते हैं, क्योंकि जो सतलुज क्लब की मेंबरशिप हमने ली थी वो 20,000 में ली थी। अच्छा, सतलुज क्लब उस समय था? सतलुज क्लब तो सर बहुत पुराना है, सतलुज क्लब इनिशियली जो फॉर्म हुआ था वो एक ऑफिसर्स क्लब था। ओके, एंड काफ़ी साल ऑफिसर्स क्लब चलता रहा, उसके बाद ये इन्होंने फिर प्राइवेट मेंबर्स लेने शुरू किए एंड फिर इसको मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग मेंबर बने या और लोग मेंबर्स बने हमसे पहले जो सीनियर्स हैं लुधियाने के वो सब मेंबर बने उसके। तो ये उसमें तो मेंबरशिप मिलनी भी बड़ी थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो हमने सोचा कि इधर कम से कम ये जो नई एरिया आ रहा है इधर के बंदे मेंबर बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे तो वील हैव गुड रिक्रिएशन एरिया हेयर। तो इस चीज़ को सोचते हुए इस क्लब को जो थी, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है वो भी इसी हिसाब से है कि जो लैंड है वो लोधी क्लब की है। अच्छा, जो ये क्लब लोधी का नाम जो रखा, जैसे गोयल साहब ने पहले बताया कि बिकॉज लोधी संतनत का था, ये लुधियाना जहाँ से बना था, सो लोधी इसका नाम रखा गया एंड मेंबर्स इसके सब लोग बने। जिस दिन ये, मैं आपको फोटो एक दिखाता हूँ, ये है फाउंडेशन स्टोन की 90
फाइव की जी, बिल्कुल ठीक है जी, 95 एसएस चन्नी साहब हैं इसमें। आप देखेंगे एक तरफ साहब हमारे खड़े हैं, भीमसेन जी भी हैं इसमें जी, बिल्कुल ठीक है जी। डावर साहब तो है ही हैं, डावर साहब वाज जो डावर साहब थे ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिल्कुल ठीक है जी। ये लुधियाना एविएशन क्लब के सेक्रेटरी थे। लुधियाना एविएशन क्लब जो था वो सरकारी क्लब है जी, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आता था। जो इसमें इंस्ट्रक्टर होते थे वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही उनकी तनख्वाह देता था, डावर साहब को भी वही देते थे। सो पहला एक साल तो डावर साहब ही रहे। ये पहले एक छोटी सी टीम बनी थी जिसको एग्जीक्यूटिव बोल देते थे जी। तो चन्नी साहब के टाइम पे बनाई गई थी कि ये बंदे ये क्लब चलाएंगे जी। और वही फंड वगैरह जो बाकी मेंबर्स ड्राइव जो मेंबरशिप ड्राइव चलाई थी वो चलाई थी। उसके बाद फिर हमने बनाए कुछ और मेंबर जिनको हम आज के दिन में फाउंडर मेंबर भी बोलते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।